नमस्कार, शुभम समवेती क्लासेस इन ओडिया लैंग्वेज यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत। आज मो चैनल गोटे होमोपैथी रेमेडी साइजियम ओरोमाटिकम विषय किसी चर्चा करवा। साइजियम ओरोमाटिकम अर्थ लवंग। आपन साइजियम जांबोली ना शुणी ता डायबिटीस यूज हुए, किंतु यह आउ एक रेमेडी साइजियम ओरोमाटिकम जहाँ लवंग या चलत तो आरंभ करवा। साइजियम ओरोमाटिकम लवंग तार छवि देखु, यह एक गच्छर कढ़ ताको होमियोपैथी रे यूज होची आर्थराइटिस पाई, एस्थमा पाई, ब्रोंकाइटिस पाई, रोमाटिज्म पाई, तुटे दांत व्यथा पाई, मुख्यतः यही सब पाई साइजियम ओरोमाटिकम को व्यवहार करा होची। आउ साइजियम ओरोमाटिकम अर्थात लवंग यह एक एंटीबायोटिक भाव यूज करा जाय परियो, नेचुरल एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीभायरल, एनालगेस्टिक एनालगेस्टिक अर्थात बथा कमाई दिए, दर्दनाशक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी पारास्टेटिक, स्पाजमोडिक एंड स्टिमुलेंट। स्पाजमोडिक अर्थ पेट मोड़ी होबा समस्या रक्षा करे, पेट बथा रक्षा करे। साइजियम ओरोमाटिकम इज अवेलेबल एज टिंचर एंड पोटेंसी इन होमियोपैथी। होमियोपैथी रे जो लवंग ता टिंचर भाव रे एवं पोटेंसी भाव रे व्यवहार हुए। खूब कम कंपनी साइजियम ओरोमाटिकम को टिंचर भाव रे आ पोटेंसी भाव रे तैयारी करी बजार बिकती, किंतु अच्छी एवं से भले कंपनी अच्छी से भले फार्मास्यूटिकल कंपनी रही। होमियोपैथी रे साइजियम ओरोमाटिकम रो व्यवहार कम हो पारे, किंतु यूज रही। एवं साइजियम ओरोमाटिकम अथवा लवंग कौन कौन काम व्यवहार हो पार, क्लब प्यूरीफाई दि एब्डोमल पासेज स्टिमुलेटिंग पेरिस्टालिस आमर लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन भितर जमा होता अपरिष्कार जहाँकि शरीर बाहरी जा दरकार बाहर एवं आमर इंटेस्टाइन को सफा रखे प्यूरीफाई कर साज्य करे। आमर पेरिस्टाटिस मूवमेंट जो जिग जैक मोशन से जिग जैक मोशन को त्वरान्वित करे, ताफल कौन हुए शरीर जो वर्ज्य वस्तु जहाँ स्टूल भाव आम शरीर बाहरी जा कथा शरीर बाहरी जाए और पेट सफा रहे। फॉर डिबलिंग यूरिन एंड किडनी इन्फेक्शन इट गिव्स गुड रिजल्ट ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन गोटे लोक को ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन समस्या रही यूरिन ठपा टपा पड़े कि बयस बढ़ले प्रायत तो पुरुष लोक यही समस्या देखा जाए यूरिन ड्रिबलिंग समस्या देखा जाए से आम लवंग को व्यवहार करपर किडनी प्रॉब्लम व्यवहार हुए। इट इज सेड दैट साइजियम ओरोमाटिकम हेल्प्स इन इम्प्रूविंग दि लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर रिलीव्स दि इरेक्शन एंड इजेक्शन कंप्लेन। जड़े लोकंर सेक्सुअल डिजायर कमी जाइए आउ किसी समस्या जमीती इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड प्रीमैच्योर इजाकुलेशन ये सब समस्या रही से सब समस्या रिलीफ देवारे लवंग अर्थात साइजियम ओरोमाटिकम व्यवहार हो पार। साइजियम ओरोमाटिकम इज यूज फॉर अपसेट स्टमक एंड एक्सपेक्टोरिएंट। साइजियम ओरोमाटिकम को आम पेट अपसेट होते पेट खराब होते व्यवहार करपर एक्सपेक्टोरिएंट अर्थात से जो पेटर जो दूषित पदार्थ सब जमा हो पेट खराब ताको बाहर करदेव साइजियम ओरोमाटिकम हेल्प करे। फॉर डायरिया पतला झाड़े साइजियम ओरोमाटिकम व्यवहार हुए। हार्निया बैड ब्रेथ मुख दुर्गंधे साइजियम ओरोमाटिकम व्यवहार करा जाय पारिबो। आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन दांत उठेला परे व्हेन पेन इन टूथ परसिस्ट दांत बथा दांतमूल बथा होउटले क्लब को लवंग साइजियम ओरोमाटिकम को व्यवहार करा जाय पारिबो बथा कमेबा पई। लवंग तेल को व्यवहार करा जाय एलोपैथी
आयुर्वेद रे आपण टिंचर को होमोपैथ टिंचर को मध्य कि तुळारे ओदा करी दांतमूळ झाकी परिवे फॉर टूथ एक टूथ एज प्रॉब्लम गम स्वेलिंग दांत माड़ी फुलिबा डेंटल कैविटीज इट गुड गुड इट गिव्स गुड रिजल्ट दांत माढ़ी फुलिबा एवं डेंटल कैविटी दांत पोक खाइबा ए समस्या रे मध्य क्लब ऑयल किंबा साइजियम ओरोमाटिकम रो टिंचर व्यवहार करा जाई परिबो ग्रिस्पिंग पेन पेट मोड़ी हेबा कोलिक पेट बथा हेबा एक्सपेलिंग गैस फ्रॉम इंटेस्टाइनल इंडिकेट क्लब पेट मोड़ी हेबा पेट रो गैस बाहरिबा ए सब समस्या रे आमे लवंग को व्यवहार करि परिबा रिंग वन समस्या थिले तापर टैप वन समस्या थिले साइजियम ओरोमाटिकम इफेक्टिव इट इज यूज्ड फॉर इंटेस्टाइनल गैस नोसिया एंड वोमिटिंग बांति बांति लागिबा बांति होइ जिबा एवं इंटेस्टाइनल गैस पेटरो गैस निर्गत हेबा पेट फुलि जिबा ए सब समस्या रे साइजियम ओरोमाटिकम व्यवहार करा जाय परियो फॉर माउथ एंड थ्रोट इनफ्लामेशन इट गिव्स गुड रिजल्ट पाटी एवं मुख एवं तंटीर इनफ्लामेशन फुलिथिले आमे साइजियम ओरोमाटिकम को व्यवहार करि परिबा कोन पई एहा गोटे भलो नेचुरल एंटीबायोटिक नेचुरल एंटीबायोटिक एबे देखिबा साइजियम ओरोमाटिकम रेकॉर्डरी रे केमिति व्यवहार हुए साइजियम ओरोमाटिकम मु बाहर को देखौछि साइजियम ओरोमाटिकम देखंतु साइजियम ओरोमाटिकम बर्तन पर्यंत मेंटल रूब्रिक रे तार प्रूविंग करा जाय पार नै ए रिमेडी देखंतु मिनिमम ग्रेड कलिमु 4 फोर ग्रेड अछि कि ग्रेड 4 भाबरे प्रूविंग नै 3 भाबरे नै 2 नै 1 केवल किछि रूब्रिक जहाँ कि ग्रेड 1 रे उपलब्ध साइजियम ओरोमाटिकम रो होमोपैथी रही है अर्थात मेडिसिन टी खूब भल भाव प्रूविंग हो ना ग्रेड 1 रो रिमेडी गुड़ी खूब भल भाव प्रूविंग हो न था किंतु आग को यह प्रूविंग कले निश्चित भाव किसी ना कि भल रिजल्ट मिल कारण आम सृष्टि कौन सी गोटे भी पदार्थ एमती ना जहाँकि कॉन्शियसनेस अर्थात आमर कॉस्मिक एनर्जी अर्थात भगवान भी कही पारे जे कि बेकार तैयारी करण से गोटे जिनस भी अकारण तैयारी होना तेणु प्रूविंग करवा दरकार होमोपैथी जो साइजियम ओरोमाटिकम रेमेडी को आहरी भल भाव प्रूविंग करवा दरकार एवं यूज करवा दरकार ताल आज का मो चेल पुणी देखा मुझे ना कि होमोपैथी विषय इनफर्मेसन आपन को देवी आज का धन्यवाद थैंक यू।